आज से हरदोई में क्रय केंद्र स्थापित कर धान की खरीद शुरू हो गई है और जिसके लिए अधिकांश राइस मिलों ने धान कुटाई के लिए अनुबंध और बैंक गारंटी नहीं जमा की, जिसके चलते हरदोई की करीब 16 राइस मिलों को खाद्य विभाग ने नोटिस जारी कर 2 दिन की मोहलत दी है। वहीं आज से जिले में धान की खरीद भी शुरू हो चुकी है। खरीदे हुए धान की कुटाई के लिए राइस मिलों से अनुबंध की प्रक्रिया होती है। इसके लिए लगभग 2 महीने से राइस मिलों का सत्यापन भी किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर जिले के करीब 2 दर्जन से अधिक राइस मिलों ने सरकारी धान की कुटाई करने का अनुबंध व बैंक गारंटी विभाग को जमा कर दिए हैं, मगर कुछ मिलर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे पूर्ण नहीं किया और सरकार के इस फैसले का विरोध किया। इस बाबत खाद्य विभाग ने ऐसे करीब 16 मिलों को नोटिस जारी कर 2 दिन की मोहलत दी है। हमारे लक्ष्य जो मिला इस बार का 1,18,616 मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला हुआ है और 44 धान क्रय केंद्र हम लोगों के द्वारा क्रय एजेंसियों के गठित किए गए बनाए गए। आज से हमारी धान क्रय की खरीदारी शुरू भी हो गई है। वहीं जब इस संबंध में मिल व्यापारियों से वार्ता की गई तो उन्होंने अपनी मिलों की बंदी की कगार पर होना बताया और इसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक ये सुनिश्चित नहीं किया कि इस प्रक्रिया के बाद हमारा मुनाफा क्या रहेगा। आज हरदोई जिले में सरकारी धान की खरीद के लिए क्रय केंद्रों की ओपनिंग की जा चुकी है,